क्या? क्या मतलब? क्यों आए हो? तुम होती कौन है ये पूछने वाली कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अच्छा मजाक कर रहा था, वो आपकी सिस राबिया जी से मीटिंग है मेरी, तो जाके उनको बताइए कि मिस्टर इकरार चौधरी आए, प्रोड्यूसर मिस्टर इकरार चौधरी। अब तुम मुलाजमों की तरह पूछ रही हो तो जाके अपनी मालकिन को मुलाजमों की तरह इत्तला कर दो। तुम बहुत फजूल इंसान हो। और तुम नहायत ही बेवकूफ। आ जाओ रूबी। वो मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा है? कौन? इकरार। अच्छा क्या कहता है वो? वो कह रहा है कि मैं मुलाजमा हूं। हरगिज नहीं। और ये बात तुम भी सुन लो कि तुम मेरी बहन हो, और उसकी बातों में मत आओ, वो तुम्हें ऐसी भटका रहा होगा। आप उसे कहें कि यहां ना आया करे। क्या? हाँ, उसने मुझे ये कहा कि मुलाजमा की तरह जाओ, राबिया सिस से कहो कि इकरार साहब मिलने के लिए आए हैं। वो असल में कॉमेडी भी चाहता है साथ साथ। आप हंस क्यों रही हैं सिस? देखो रूबी, तुम इस घर की मालकन हो, तुम अपना रोब जमा सकती हो, हुक्म चला सकती हो मुझ पर भी, मगर छोटी बहन बन के बस कहानी को इसी तरह चलते रहने दो। कहानी? हाँ, मुझे लगता है कि रूबी तुम्हें इकरार को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो यहाँ आता रहेगा और मैं उसे रोकना नहीं चाहती। तो आप उससे मीटिंग के लिए दफ्तर भी तो जा सकती हैं ना? अरे मीटिंग तो मैं उससे फोन पे भी कर सकती हूँ, अगर वो इसी बहाने रोज रोज आता है तो आने दो। बहाने बहाने से? लेकिन किस लिए? तुम्हारी खातिर, शायद वो रोज दोबारा आता है। ये क्या कह रही हैं आप? देखो मेरी ऑब्जर्वेशन है, अब तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है और इकरार के दिल में क्या चल रहा है? नहीं नहीं, मेरे दिल में उसके लिए कोई कुछ नहीं चल रहा। अरे तो फिर डर किस बात का? आने दो उसे यहाँ पर, करने दो मुझसे मीटिंग्स, पीने दो अपने हाथ की बार बार चाय, क्या फर्क पड़ता है? ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ की चाय? नहीं, ये राबिया सिस ने इसलिए कहा होगा कि मैं चाय बना के लाऊं उनके लिए, लेकिन मैं कोई मुलाजमा थोड़ी हूं, मैं नहीं बना रही उसके लिए चाय। लेकिन राबिया से इसको बुरा ना लग जाए, क्या करूं?